जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि आजकल हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है शनि देव और चंद्रमा देवता की युति, जिससे विष योग बनता है उसको लेकर के। प्रिय दर्शकों, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी शनिदेव और चंद्रमा की युति बनती है, सब लोग उसे विष योग का बात करते तो ज़रूर हैं, लेकिन सब लोग ये भी कहते हैं कि विष योग बना हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाली बात ये होती है कि हमेशा पापी और क्रूर कहे जाने वाले शनिदेव की ही शांति को रिकमेंड किया जाता है। पर अब आप ये बली भांति इस प्रोग्राम के माध्यम से समझ गए हैं कि हर बार शनिदेव को ही शांत कराना ज़रूरी नहीं हो सकता है। शनिदेव की अच्छाई को चंद्रमा देवता अगर कुंडली में मारक बने हों, वो खराब कर रहे हों, क्योंकि शनिदेव पापी भी हैं, क्रूर भी हैं। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में योग कारक ग्रह होंगे तो उसकी शांति नहीं होगी। अगर चंद्रमा योग कारक होंगे तो चंद्रमा की शांति नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इस बात का निर्णय करना होगा कि योग कारक ग्रह कुंडली में कितने हैं और मारक ग्रह कितने हैं। शनिदेव योग कारक हैं तो उनको कैसा रेमेडियल मेयर आपको देना है, चंद्रमा योग कारक हैं तो उनको कैसा रेमेडियल मेयर देना है। प्रिय दर्शकों, अपनी शनि और चंद्रमा के विषयों की जानकारी में अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली, यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली। जिसके लगन में 10 नंबर लिखा हो वो मकर लगन की कुंडली बनी, इसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव। तो इस लगन कुंडली की पूरी कंट्रोलिंग पावर आ गई शनिदेवता के पास। शनिदेव इस कुंडली में सुप्रीम पावर यानी लग्नेश माने जाते हैं। शनिदेव के पास पहले घर का डिपार्टमेंट है, यानी मुख्य डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। जातक स्वयं शनिदेव का है। शनिदेव ने दूसरा डिपार्टमेंट अपने पास रखा धन का, कुटुंब का और वाणी का। धन, कुटुंब, वाणी का डिपार्टमेंट शनिदेव के पास होता है और लग्नेश इस लगन कुंडली में शनिदेव के पास है। यानी इस लगन कुंडली में पहले घर के मालिक शनिदेव बने और दूसरे घर के मालिक भी शनिदेव बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शनिदेव ने चंद्रमा देवता को सातवें घर का मालिक बनाया। सातवां घर, जातक का दाम्पत्य सुख देखा जाता है सातवें घर से। सातवें घर से डेली वेजेस देखे जाते हैं। सातवें घर से आपकी पार्टनरशिप जिंदगी में आप व्यापार में कर सकते हैं वो देखी जाती है। तो सातवां घर जातक के लिए डेली वेजेस, पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ के लिए, यानी दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है। और दर्शकों, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक सातवें घर का मालिक यानी आठवें घर से बारहवां घर और लग्नेश का अगर वो शत्रु होगा तो अति मारक ग्रह माना जाएगा। तो चंद्रमा देवता इस लगन की कुंडली में सदैव मारकित्व में आता है और इस लगन कुंडली में शनि चंद्रमा का विषयोग तो बनता है, लेकिन यहाँ प्रिय दर्शकों बात समझने वाली है, यहाँ शनि चंद्रमा का विषयोग जो बनता है उसमें चंद्रमा देवता, क्योंकि एक मारक ग्रह है, वो शनिदेव को उल्टा खराब करते हैं। अब यहाँ बात बिल्कुल उल्टी हो गई प्रिय दर्शकों। अगर मकर लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा पड़े हों, विषयोग बना करके बैठे हों किसी अच्छे भाव में, तो सदैव आपको चंद्रमा की शांति करवानी पड़ेगी ताकि विषयोग से शनिदेव फारिग हो पाएँ और अपनी दशांतर दशा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। अक्सर हमारी भूल यहीं से शुरू होती है कि हम शनिदेव को ही हर बात का जिम्मेवार मान लेते हैं, लेकिन इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों बिल्कुल उल्टा है। शनि चंद्रमा का विषयोग तो बनता है, लेकिन ये विषयोग चंद्रमा की शांति से ठीक होगा, क्योंकि चंद्रमा एक मारक ग्रह है और वो शनिदेव पर अपना पाप प्रभाव डाल करके शनिदेव की अच्छाई को न्यूट्रलाइज करता है या अच्छाई को कम करने में बाध्य होता है। प्रिय दर्शकों, अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो तो मकर लगन के जातक को
सदैव नीलम धारण कर लेना चाहिए, लेकिन अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो। अगर पहले बार में ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका नीलम क्या पहनना बनता है या नहीं पहनना बनता। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, इस लग्न की कुंडली में चाहे आपका विवाह विलंब में हो रहा हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हों, चाहे आपकी डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स आ रही हों, लेकिन किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती धारण नहीं करवाया जाता। वो जातक का जीवन यापन सदैव कष्टों से भरता मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर यानी लगन जो आप स्वयं हो वो शनिदेव के बने हो, और अगर आपने सुच्चा मोती पहन लिया तो अंधेरे से जो बना हुआ शरीर है उसके ऊपर उजाला रख लोगे तो वो सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आपकी हेल्थ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देगा, मेंटली भी आपको पूरी तरह अपसेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आपकी कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में भी सदैव दिक्कत परेशानियां देता ही मिलेगा। तो ये बात आपको सदैव दर्शकों स्मरण रखनी होगी कि शनि और चंद्रमा का अगर विषयोग बना है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ शनि की शांति के पीछे ही हाथ धो करके पड़ जाओ। पहले आपको ये देखना होगा कि लगन कुंडली कौन सी है और कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है। क्या ये देखना ज़रूरी है? क्या ये देखना अति आवश्यक है? ये आपको समझना होगा। अगर आप ये समझ जाएंगे कि शनि चंद्रमा का जो विषयोग बना है इसमें आपको शांत शनि देव को करके चंद्रमा से अच्छे फल लेने हैं या चंद्रमा को शांत करके शनि देव से अच्छे फल लेने, ये बात अगर आपको विवेचन करनी आ जाती है तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा स्तंभ आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा आप नियम समझ गए हैं। पूरी लगन कुंडलियाँ कुंडली के योग कारक ग्रहों से और मारक ग्रहों से निर्णय की जाती है। योग कारक ग्रह गलत जगह प्लेसमेंट में आ जाए तो कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देता। यानी योग कारक ग्रह अगर नीच का हो जाए, योग कारक ग्रह अगर अस्त अवस्था में आ जाए, योग कारक ग्रह अगर 6, 8, 12 में चला जाए, योग कारक ग्रह अगर 0° 29° पहुँच जाए तो योग कारक ग्रह भी अपनी दशा अंतरदशा में कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक को अच्छा फल देता ही नहीं है। इसके विपरीत प्रिय दर्शकों उल्टा कि मारक ग्रह सदैव मारक रहता है जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए, लेकिन इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता के ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा सदैव मारक माने जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको कष्ट देते ही मिलेंगे। तो सुच्चा मोती इस लगन कुंडली के जातक को धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, वो जातक को कष्टों से भरपूर कर देता है उसका जीवन। और जातक सारी ज़िंदगी ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो ये छोटा सा सुच्चा मोती चींची उंगली में डाल लिया था लेकिन मेरी ज़िंदगी तो कष्टों से भरपूर है, मुझे तो ये ख़त्म ही नहीं होते कष्ट, मेरा तो एक कष्ट ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा देवता आपके शरीर को ही ख़त्म करने वाला ग्रह है इस लगन कुंडली में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक। तो इस लगन कुंडली में ये बात आपको सदैव दर्शकों को स्मरण रखनी होगी, अगर किसी भी जातक का किसी भी भाव में, चाहे वो अच्छे भाव में बना हो तो और भी अच्छा, अगर किसी भी अच्छे भाव में विषयोग बना होगा तो सदैव आपको चंद्रमा देवता की शांति करनी होगी, क्योंकि चंद्रमा देवता शनि देव को भी उससे अच्छे फल देने में रुकावट लाता है, क्योंकि वो रुकावट लाई हुई अपना मार्कित्व दिखाती है। चंद्रमा मारक है इसलिए वो अपना मार्कित्व दिखाता है और शनि देव के अच्छे फल लाने में भी कमी लाता है, और शनिदेव इसमें योग कारक ग्रह है। अगर शनिदेव इस लगन कुंडली में आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में प्लेस्ड हुए तो सदैव आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों शनिदेव अगर नीच के हुए, शनिदेव अगर 6, 8, 12 में पड़े हुए तो नीलम कदापि धारण मत कीजिएगा, एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अस्त अवस्था हो तो कहीं भी धारण कर सकते हैं, बिना अस्त अवस्था के आप नीच का और 6, 8, 12 में पड़ा हुआ शनिदेव का रतन कभी धारण मत कीजिएगा, वो भी आपका जीवन यापन
कष्टों से भर देगा। तो दर्शकों, ये बात आपको अब इजीली समझ में आ गई होगी कि जो भी योग पढ़े जाते हैं, जो भी योग समझे जाते हैं, उसमें उसका कारक ग्रह होना और उसका मारक ग्रह होना, इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। जो भी कुंडली का योग कारक ग्रह होता है, वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छी जगह प्लेस्ड होने से आपको अच्छा फल दे सकता है। लेकिन कुंडली का जो भी मारक ग्रह होता है, और अगर उस पर कोई थ्योरी भी अप्लाई ना हो रही हो, तो कभी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देता। अगर मारक ग्रह योग कारक ग्रह के साथ युति बना ले, तो मारक ग्रह योग कारकता को कम करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वो उसे सदैव दिक्कत परेशानियों में लेकर के आता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह कौन सा है। अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है और किसी अच्छे भाव में शनि और चंद्रमा पढ़ के विष योग बना रहे हैं, तो कभी भी आपको अगर पाठ पूजन करवाना हो, किसी पंडित जी को बुलाकर हवन पूजन करवाना हो, तो चंद्रमा देवता का हवन पूजन करवाइए। चंद्रमा देवता का करवाया हुआ हवन पूजन आपको फारक करने से सदैव मददगार सिद्ध होगा। यानी शनिदेव फिर अच्छा फल दे पाएंगे, और चंद्रमा देवता का अशुभ प्रभाव जो मारक है या मारकित्व प्रभाव कुंडली में ख़त्म होकर के आपको सहायक सिद्ध होगा। ये बात मैं प्रिय दर्शकों इसलिए भी ज़्यादा जोर दे करके कहता हूँ कि हर चीज़ में आपको शनि राहु केतु को ही बदनाम नहीं करना है कि शनि अगर विषयोग में आ गए तो शनि की शांति करी जाओ शनि की। लेकिन शनिदेव ही अगर आपके बचाने वाले ग्रह हो मकर लग्न की कुंडली में, तो शनिदेव की शांति नहीं करवानी है, आपको चंद्रमा की शांति करवा करके शनिदेव को इस काबिल करना है कि वो अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, इस लग्न कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग बनता है और वो पूरा रिजल्ट देता है। और इस लगन कुंडली में शनिदेव का रतन नीलम धारण किया जा सकता है और सुच्चा मोती कदापि धारण नहीं किया जा सकता। इस लगन की कुंडली में सदैव अगर शनि चंद्रमा का विष योग बना हो, तो चंद्रमा की शांति आपको करवानी होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत से जातक मिलने आते हैं प्रिय दर्शकों, अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएं जिनसे उनका जीवन यापन आसान हो पाए। बहुत से जातक ऐसे आते हैं प्रिय दर्शकों जो दाम्पत्य सुख में जाना चाहते हैं, पर उनकी किसी कारणवश मैरिज नहीं हो पा रही, चाहे उनकी कुंडली के योग हों, चाहे उनका घर का वास्तु गलत हो। तो अगर किसी भी कुंवारी कन्या की मैरिज ना हो रही हो और उसकी उम्र विवाह योग्य हो, तो उसे घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, वेस्ट यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोने में जो भी कमरा हो, उसे वहाँ सुलाया जाए। रात्रि को वहाँ वो नींद अपनी पूरी करे, तो उसका विवाह बहुत जल्दी संपन्न होने का रास्ता बनता है और उसका विवाह बहुत जल्द होकर के जीवन यापन, उसका दाम्पत्य सुख भी आगे खुशी हुए सुख में रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।